नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सनसेट टीवी में। मैं हूं प्रिया बैद। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जहां चेनाब ब्रिज का काम चल रहा है। चेनाब ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा आर्क रेल ब्रिज है। आज रेल मंत्री अश्नवी वैष्णव जी ने खुद इसका निरीक्षण भी किया है। आइए आपको दिखाते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 26 मार्च 2023 रविवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। उन्होंने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब ब्रिज और सुरंगों का ट्रॉली निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। ट्रैक बिछाने के बाद में इसके ऊपर ट्रॉली चलानी होती है और देखना होता है किस तरह से टनल से, आज सब उसका इंस्पेक्शन हुआ है। उद्घाटन में अभी और करीब 10-12 महीने और बाकी है। काफ़ी काम बाकी है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बाकी है, ट्रैक में भी और भी बहुत सारा काम बाकी है। ट्रैक अभी ले हुए हैं जस्ट। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। और जिस तरह से आप देखोगे, ये जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन अपने आप में करीब करीब आधे फुटबॉल फील्ड के बराबर है। और बहुत ही यहाँ पे हैवी विंड वेलोसिटी रहती है, उसके हिसाब से डिज़ाइंड है। और सीज़मिक एक्टिविटी बहुत रहती है, तो सीज़मिक एक्टिविटी के हिसाब से रिक्टर स्केल पे 8 की सीज़मिक एक्टिविटी हो, उसके हिसाब से इस ब्रिज को डिज़ाइन किया गया है। अभी इसमें और काम काफ़ी बाकी है। अगले 7-8 महीनों में, 10 महीनों में काम कंप्लीट करके इस पर ट्रेन चलाने की कार्रवाई होगी। सर, अगर हम महत्वपूर्ण चैलेंजेस की बात करें तो इंडियन रेलवेज को क्या क्या फेस करना पड़ा है इस ब्रिज को बनाने के लिए, टनल को? इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था डिज़ाइन का चैलेंज, खासकर फाउंडेशन की डिज़ाइन का चैलेंज था। और दूसरी बड़ी बात थी, देखिए, इंजीनियरिंग चैलेंजेस को तो ओवरकम किया जा सकता है, सबसे बड़ी बात होती है देश का नेतृत्व। 2005 और 6 में करीब करीब ये काम चालू हुआ था। 2014 तक इसका कोई खास इसमें इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट नहीं हुआ। 2014 में देश का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब संभाला, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रिव्यू किया और रिव्यू करके बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सबसे बड़ा निर्णय उन्होंने लिया कि ब्रिज की डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए 100 साल से ज़्यादा वर्षों तक इसकी लाइफ रहे। इस ब्रिज की डिज़ाइन ऐसे हुई, 120 साल की इसकी लाइफ है। दूसरा, उन्होंने निर्णय लिया तुरंत इसके लिए एलोकेशंस बढ़ाए। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 700-800 करोड़ का एलोकेशन होता था, तुरंत उसको डबल किया, फिर 3 गुने किया। आज करीब जहाँ 700-800 करोड़ इसका एलोकेशन होता था इस प्रोजेक्ट के लिए, आज जम्मू कश्मीर के कनेक्टिविटी के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए मोदी जी ने 6000 करोड़ का एलोकेशन दिया है। तो देश का नेतृत्व जब बहुत संकल्प के साथ काम करता है तो इंजीनियरिंग चैलेंजेस भी पीछे रह जाते हैं। सर, देश की जनता जानना चाहती है कि कब तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है वो ट्रेन चलेगा, इस ब्रिज में कब जो है ट्रेन का शुभारंभ देखा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से देश में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बहुत जल्दी शीघ्र ही चालू होने की संभावना है, दिसंबर 2023 जनवरी 2024 के आसपास के टाइम फ्रेम में। चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे मेहराब युक्त पुल पर पहली बार ट्रॉली चलाने के अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूएसबीआरएल परियोजना इस साल दिसंबर या जनवरी 2024 में पूरी हो जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस संकल्प शक्ति के साथ, जिस मजबूत इच्छा शक्ति के साथ देश में डेवलपमेंट के, विकास के नए नए चैप्टर्स, नए नए डायमेंशंस बना रहे हैं, आज चेनाब का ये ब्रिज और उधमपुर श्रीनगर बारामूला की ये जो लाइन, जिसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स टनल्स, बड़े बड़े ब्रिज सब आए हैं, ये प्रोजेक्ट भी उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है।
उन्होंने कई चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बावजूद इस परियोजना में शामिल सभी रेल कर्मियों के कठिन परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा के प्रति उनके समर्पण भाव की सराहना की। उन्होंने पुल को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना बताया। इंजीनियरिंग का एक बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज है ये ब्रिज और ये टनल्स। इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये साइज़मिक एक्टिविटी का एक हाईली साइज़मिक प्रोन एरिया है। इसकी फाउंडेशन जो बनानी होती है उस फाउंडेशन में बहुत ही विशेष ध्यान रखा जाता है। आप ब्रिज की जो इस तरफ वाली फाउंडेशन देख रहे हैं ये फाउंडेशन अपने आप में आधे फुटबॉल फील्ड के बराबर है। इस ब्रिज में करीब 28,000 टन स्टील का उपयोग हुआ है। स्ट्रेंथ देने के लिए और विशेषकर सेज्मिक एक्टिविटीज से स्ट्रेंथ देने के लिए इसमें एक बहुत स्पेशल टेक्नोलॉजी के डेविडेक बार्स का उपयोग हुआ है जो करीब करीब 18,000 स्पेशल डेविडेक बार्स लगे हैं। फाउंडेशन में करीब 66,000 रॉक एंड केबल बोल्टिंग लगी हुई है। बहुत ही स्पेशल है ये काम। रेल मंत्री ने कहा कि कश्मीर घाटी के बेडगाम में एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रखरखाव सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और इस महत्वपूर्ण रेलवे लिंक के बाद पहली बार वंदे भारत मेट्रो जम्मू और श्रीनगर शहरों के बीच चलाई जाएगी जो कश्मीर घाटी को जोड़ेगी। इस रेल नेटवर्क के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों के साथ संपर्क पूरा हो जाएगा। बड़गांव में वंदे भारत के ट्रेन की मेंटेनेंस की व्यवस्था की जा रही है जिससे कि जैसे ही ये रेलवे लाइन चालू हो यहाँ पर श्रीनगर तक वंदे भारत भी आए। ऐसा प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, देश के कोने कोने को वंदे भारत से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने वंदे मेट्रो का एक नया कॉन्सेप्ट दिया है। वंदे मेट्रो यानि दो शहरों के बीच में फ्रीक्वेंटली गाड़ी दौड़े बिल्कुल मेट्रो की तरह, तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पे अपने श्रीनगर से जम्मू के बीच में रहेगी जिससे कि प्रैक्टिकली श्रीनगर और जम्मू एक तरीके से दो शहर की जगह एक शहर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जल्द ही काम करने लगेगा जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। पुल की डेक की ऊंचाई 359 मीटर और 1315 मीटर है। यह जल्द ही तैयार होकर रेल यातायात के लिए शुरू होने वाला है। यह 35,000 करोड़ रुपए का उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत से बना यह पुल भारत में सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक बड़ी चुनौती है। फुटबॉल के मैदान के आधे हिस्से के बराबर नींव वाला प्रतिष्ठित पुल एक गौरव का विषय है।